वंदे मातरम शिक्षक साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट है। एक विज्ञप्ति जारी की गई है, विशेषकर ये इम्पोर्टेंट वीडियो उन साथियों के लिए, शिक्षक साथियों के लिए जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में या स्वामी विवेकानंद आदर्श विद्यालयों में या अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति चाहते हैं उनके लिए। अभी जैसे कुछ दिन पूर्व फॉर्म भरे गए थे, अब उसमें दो दिन के लिए पोर्टल को पुनः खोला जा रहा है। पूरी अपडेट क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह 27/7/2023 का आदेश है, विज्ञप्ति, और जिसमें लिखा हुआ है कि विज्ञप्ति क्रमांक सिविरा माध्यमिक प्रकोष्ठ और वॉक इन इंटरव्यू 2023-24 दिनांक 17/6/2023 के अनुसार के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा शर्त, विशेष शर्त के तहत नियम 2023 के प्रावधान अनुसार राज्य में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों जिसमें महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शामिल है, स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय यानी मॉडल स्कूल है वो शामिल है, और समस्त अन्य जो भी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग के पदधारी शिक्षकों या कार्मिकों के दिनांक 17/6/2023 से 22/6/2023 तक शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से आवेदन भरवाए गए थे। अब ये जो प्रोसेस है, ये जैसे 17/6 से 22/6 तक चला था, उसके बाद में उक्त विज्ञप्ति के क्रम में दिनांक 28/7/2023 से, यानी कि कल से 29/7/2023 की मध्य रात्रि 12 बजे तक, यानी कल और परसों दो दिन का आपके पास समय, 28 और 29 जुलाई को 12 बजे तक पोर्टल पुनः खोला जा रहा है। आवेदन करने के इच्छुक शिक्षक या कार्मिक उक्त अवधि में शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यानी इसमें दोनों बातें कि अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप एक बार और मौका दिया गया है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आप आवेदन कर सकते हैं, और 28 और 29 तारीख को ये पोर्टल खुलेगा। और ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है उन्हें आप आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, और जिन आवेदकों के द्वारा आवेदन अंतिम रूप से सबमिट नहीं किया गया किसी भी तकनीकी कारण से, अगर मान लो कोई ऐसे साथी है जो आवेदन नहीं कर पाए या फाइनली सबमिट नहीं कर पाए, वे आवेदनकर्ता अपना आवेदन है अंतिम रूप से सबमिट कर सकते हैं। अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के अभाव में आवेदक के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी जो भी साथी कोई ऐसे रह गए हैं किसी भी तकनीकी कारण से, अगर आपने अंतिम रूप से उसको सबमिट नहीं किया तो आप सबमिट कर सकते हैं, या अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है और आपकी इच्छा नहीं थी लेकिन अब आपको लग रहा है कि किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आप अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए 28 और 29 तारीख दो दिन के लिए पोर्टल खुला है। आप अपने जो भी शाला दर्पण का स्टाफ लॉगिन है वहाँ जा करके अपने संबंधित जो भी ब्लॉक में या जहाँ भी आप चाहते हैं उस क्षेत्र के ब्लॉक में, वो अधिकतम 2 या 3 जो भी चॉइस है वो भर करके आप सबमिट कर सकते हैं। और बाकी जो शर्तें हैं वो विज्ञप्ति 17/6/2023 थी उसके अनुसार रहेगी, उसका विस्तार से मैंने वीडियो पहले ही बनाया हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और स्वामी विवेकानंद जो मॉडल स्कूल है या अन्य जो भी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय उनमें प्रतिनियुक्ति के संबंध में। तो इसी तरीके अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।